नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के कर्मचारियों की दो दिवसीय स्कूलिंग कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। सुखपुरा चौक स्थित कर्मचारी भवन में स्कूलिंग कार्यशाला शुरू हुई। दो दिवसीय स्कूलिंग कार्यशाला में रोडवेज वर्कर यूनियन कार्यकारिणी सदस्य भाग ले रहे हैं। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह बड़ाना ने कहा कि दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान यूनियन से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह बयाना ने कहा कि हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के कार्यकर्ता सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में किए जा रहे निजीकरण के विरोध में 14 अक्टूबर को प्रदेश भर के सभी डिपो पर एक दिवसीय प्रदर्शन करेंगे। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। सिंह बदाना हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधी सर्व कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष आज जो है यहाँ हमारा जो मुख्यालय है कर्मचारी भवन, इसमें दो दिवसीय हमारी कार्यशाला की विधिवत शुरुआत हो चुकी है और मुख्य वक्ता के तौर पे अभी जो है कॉमरेड सत्यपाल शिवाज जी अपना संबोधन इसमें दे रहे हैं और यूनियन की फंक्शनिंग के बारे में वो चर्चा करेंगे। वो यूनियन क्यों है, किस लिए है, किसके लिए है, कैसे उसकी फंक्शनिंग जनतांत्रिक तरीके से कार्य प्रणाली वो कैसे चलती है, और उसके बाद हमारा जो है राज्य का अध्यक्ष जो है काम जो सुभाष लांबा जी, और सुभाष लांबा जी अपना वक्तव्य देंगे। उसके बाद कल का जो विषय होगा वो सुरेंद्र मलिक जी इसमें यूनियन पर चर्चा करके और जो है किस तरीके से सरकार जो है इन जो जन सेवा के विभाग हैं उनको सिकोड़ रही है, पूंजीपति के हाथ बेच रही है, निजीकरण का जो दौर चला हुआ है हम निजीकरण के खिलाफ लड़ाई को और तीखा रूप देने के लिए और लामबंद होने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। और उसके साथ साथ हम 14 तारीख से इसकी विधिवत शुरुआत एक दिवसीय धरने से हम कर रहे हैं। एक दिवसीय धरना 14 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक सभी डिपो पर होगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।